भाई गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, कि आने वाले कल क्या हो सकता है। आज क्या बताया था, और लेवल्स और राशि को। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा, जो भी आपको ये यहाँ पे बताया जाता है मार्केट कैसा रहेगा, ये हमारी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वो आप लोगों ने जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हो। ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, ठीक है। तो आज मैंने आपको दो तीन चीज़ बताई थी। पहली चीज़ बताई थी कि मार्केट अपसाइड रहेगा, वो टाइम बताया था 1:05। दूसरा चीज़ मैंने बताया था कि नीचे से हमें बाइंग करनी है, जहाँ आपको सपोर्ट लगता है ये सपोर्ट आ गया मार्केट। ऐसा नहीं होता कि मार्केट सीधा नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, वो टाइम लेता है, कम से कम 1-1.5 घंटा कंसोलिडेट करता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। वो जोन क्या होता है, नो ट्रेड, उसमें काम मत करो। ऊपर से गिर गया, सपोर्ट पे आ गया, बस फिर बैठ जाओ आराम से, ठीक है। तो वो जो टाइम या टाइम जोन होता है वो साइलेंस होता है, उसमें काम मत करो। अगर आपने बाइंग किया है तो एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। 12:15 बजे फ्री वाला चैनल है एस्ट्रो स्टॉक अपडेट के नाम से, उस पर मैंने आपको एक कॉल डाली थी, डेमो कॉल। और वो कॉल वहाँ से वो टर्निंग पॉइंट था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा अभी, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो कॉल 140 तक गई है, और बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छे पैसे बने हैं, निफ्टी में भी बने हैं। तो वो जो टाइम था वो डरने वाला टाइम नहीं था, वहाँ से ऊपर जाएगा क्लियर था। मैंने 9 तारीख को आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ जहाँ ऊपर टॉप लगा है वहाँ पे आपने सेल करना है। 9 में हमने सेल करना है, 10 में डाउन साइड रहना है। और आज हमें वो चीज़ को जो सेल किया है उससे निकलना है, और आज नीचे से बाइंग करना था, ठीक है। ये चीज़ बोर्ड पे लिख के जो वीकली वीडियो बनाते हैं उसमें मैंने लिखा हुआ है, तारीख के आगे ऊपर से सेल करना है यहाँ पे, जहाँ हाई जाएगा। या देख लो जहाँ आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ से अभी गिरना शुरू है तो वहाँ से सेल करना है, और इस तारीख को फिर नीचे से बाय करना था, ठीक है। इससे बढ़िया और तो कुछ हो नहीं सकता भाई। अब ये जिसने बाइंग किया है, मेरे ज्योतिष के मुताबिक 12 तारीख तक को मार्केट को पॉजिटिव रहना चाहिए। थोड़ा मिक्स हो सकता है, सुबह में थोड़ा नीचे जा सकता है ऐसे, पर ओवरऑल मार्केट ठीक रहना चाहिए। अब यहाँ से जो बैंक निफ्टी के ऊपर के टारगेट आते हैं वो कौन से टारगेट हैं, जहाँ बैंक निफ्टी बंद हुआ है, समझ रहे, 52,280 पे हुआ है सर। अगर इसके ऊपर रहता है या 100-200 पॉइंट नीचे चला जाता है कैसे ही, फिर वहाँ से आके इसको काटता है, तो इसके ऊपर आपको कम से कम 500 पॉइंट मिलेंगे। बात समझ गए मेरी, इसके ऊपर बैंक निफ्टी में अभी 500 पॉइंट मिलेंगे। वहां पर जाके आप प्रॉफिट का देख सकते हो, विद स्टॉप लॉस काम करो। और जो टाइम रहेगा कल 12 जुलाई है, 12 जुलाई का जो टाइम रहेगा 12:45, वो आपने देखना है, ठीक है। अब निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी तो उतना ही रेंज में घूमेगा, ज़्यादा कर ले तो 100-150 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, जहाँ बंद हुआ है 300 के करीब बंद हुआ है। मैक्सिमम जो उसकी रेंज है ऊपर वाली, वो 450, उसके ऊपर नहीं जा रहा अभी, ठीक है। तो वहाँ अपना जो भी करना है वो आप कर सकते हो। तो ये आपको पता लग गई कि मार्केट में क्या हो सकता है, कैसा रहेगा मार्केट कल का, 12 तारीख का, 12 जुलाई का। अभी बात करते हैं हम राशिफल की, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो।
अब लाइक करते ही नहीं हो। मैंने बोला था कि फिर 2-3 दिन बाद एक वीडियो बना करेगा, बीच बीच में एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। तो भी कल के लिए सभी राशि ठीक है। मेष राशि के 4.5 पॉइंट हैं, वृषभ के 3 हैं, वृश्चिक के नहीं, मेष के 3.5 हैं, वृषभ के मेष राशि के 4.5 पॉइंट, वृषभ राशि के 3, मिथुन राशि के 3.5 पॉइंट, कर्क राशि के 5 और सिंह राशि के 2.5, कन्या के 3.5, तुला राशि के 4.5, वृश्चिक के 3, धनु राशि के 3.5 और मकर के 3, कुंभ के 4.5 और मीन राशि के 2.5। तो ये आपका राशिफल बनता है, ठीक है, आने वाले कल का। तो आप लोग मैसेज करते हो, मैं वैसे इस टॉपिक पे बात नहीं करता, पर मैं बता देता हूँ, 30 सेकंड में ख़त्म कर देता हूँ। आप लोग कोई भी टाइप की कुंडली दिखाना चाहते हैं, मार्केट में काम करें नहीं करें, वो सारी चीज़ मैं बताता हूँ। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, 3 चीज़ की होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान, बस ये 3 चीज़ हैं। आप कुंडली दिखा सकते हो, बाकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती उसमें। बाकी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ये आप कमी करते हो मार्केट में, ये किसी के में 2 होती हैं, किसी के में 1। हम तो उपाय सभी ग्रहों के बता देते हैं, जो खराब होते हैं हमें उससे मतलब नहीं। अगर आप ये चीज़ इम्प्रूव कर पाते हो, ऑप्शन में काम कर लो, नहीं तो ऑप्शन में मत काम करो। ये ग्रहों के हिसाब से आपको सेक्टर सूटेबल बनते हैं, इनके अंदर आप काम करो। मैं ये बताता हूँ और वो बंदा, हर एक बंदा जिसको बताता हूँ वो हाँ भी करता है कि हाँ ये कमी है मेरे अंदर, ठीक है। देखो, किसी के अंदर इमोशन पेशेंस की कमी है, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई जल्दबाजी करता है ट्रेडिंग लेने के लिए, कोई इतना डर लगता है वो ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता है, तो बहुत सारी कमी है। तो जिसकी जो कमी है वो उसको बता दी जाती है उसमें मैन, और ये ग्रह आपके सपोर्ट नहीं कर रहे। बाकी भी चीज़ों में ऐसे करते, ये चीज़ के आप उपाय करो तो आपको मार्केट ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो दैनिक जीवन में होती हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट होता है, उनके लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। बाकी तो आपको प्रीमियम ग्रुप का तो पता है, उसका तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।